नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 दिसंबर 2011 को महात्मा मंदिर गुजरात में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज गुजरात सभी दिशाओं में विकास करने वाले एक राज्य के रूप में देश और दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। आज आप कहीं भी गुजरात बोलेंगे तो लोग कहेंगे विकास, और विकास बोलेंगे तो लोग कहते हैं गुजरात। ये बात सही है कि गुजरात की पहचान केमिकल और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक विशिष्ट जगह बनाई है, लेकिन आज गुजरात चहुं दिशा में सभी दिशाओं में विकास करने वाला एक राज्य के रूप में देश और दुनिया में उसकी एक अलग पहचान है। आज गुजरात बोलोगे तो लोग कहते हैं विकास, और विकास बोलोगे तो लोग कहते हैं गुजरात। और हम अच्छा कर रहे हैं, ये सब चर्चा हो रही है, लेकिन हम अच्छे से संतुष्ट नहीं हैं, और वहीं पर हम रुकना नहीं चाहते हैं। हम गुड से ग्रेट तक की सफर पार करना चाहते हैं। हम काफी लंबे छलांग मारने के इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं। दहेज पीसीपीआईआर की चर्चा यहां 3-4 बार उल्लेख हुआ है उसका। आप सब जो बाहर से आए हैं, तो मेरा आग्रह है कि अगर संभव हो तो आप एक क्षेत्र की विजिट कीजिए। डेवलपमेंट किस तेजी से हो रहा है, किस लेवल से हो रहा है। अभी एक इंटरनेशनल एजेंसी ने सर्वे किया था कि विश्व में ऐसे इन्वेस्टमेंट रीजन जो क्वालिटेटिवली अच्छे माने जाए, तो उसमें उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के 25 रीजन्स को चुना था, जिसमें शंघाई भी है, दुबई भी है, और उस 25 में, विश्व के उन श्रेष्ठ 25 जगह में दहेज का नाम है। तो इंटरनेशनल बेंचमार्क में भी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विजन है जिसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं, इसने अपनी जगह बनाई। मित्रों, एक ऐसा क्षेत्र है कि दुनिया के समृद्ध देश इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते। केमिकल और डाइस्टफ के क्षेत्र में विश्व के समृद्ध देश प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट की चिंता उनको रहती है, उनके जो नॉर्म्स हैं एनवायरमेंट के, उसको मीट करना उनके लिए मुश्किल हो जाए है। तो एक डर दुनिया को सता रहा है कि कहीं तो ऐसा तो ना हो कि सारी दुनिया डेवलपिंग कंट्रीज की ओर चली जाए और सारा कारोबार वहां चले और दुनिया उसका मौज लेती रहे। एक चिंता का विषय बना हुआ है, विशेष करके वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये जब स्थिति है तो हमारे सामने अवसर भी है, चैलेंज भी है। अवसर यह है कि दुनिया के समृद्ध देश इस क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, इसको जरूरत रहने वाली सबकी है और इसका विकास भी होने वाला है। तो अवसर हमारे लिए है, और चैलेंज ये है कि जिन चीजों के कारण समृद्ध देश डर करके छूट गए हैं, हम उन चैलेंजेस को उठा करके दुनिया को दिखाएं कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली पूरे विकास की यात्रा को चला सकते हैं। आज हम जब गुजरात की इस धरती पर बैठे हैं, तब हम इस बात पर और 3 दिन चर्चा करने वाले, कई विषय निकलने वाले हैं कि क्यों ना हम आने वाले युग को ध्यान में रखते हुए विकास की यात्रा को आगे क्यों न बढ़ाए। गुजरात स्टेट ऐसा है जिसका अलग क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, एंड वी आर 4th गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसका क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, और हम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट
इन दोनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के पक्षकार हैं और हमारी नीतियों को भी उसी प्रकार से हम नीति निर्धारित करते हैं। और अगर सरकार की नीतियां स्पष्ट होती हैं तो मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट करने वाले लोग उससे उल्टा करने का इरादा नहीं रखते। लेकिन समस्या तब होती है कि जब सरकार का विजन नहीं होता है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं और सिर्फ कह देते हैं हाँ अब आप कर लीजिए, वो अपने तरीके से कर देता है और बाद में फिर कानून आता है कि ये करो ये मत करो, और एक बार मकान बनने के बाद खिड़की डालना मुश्किल होता है। पहले से खिड़की तय करके मकान बनाना मुश्किल नहीं होता है, खर्चीला भी नहीं होता। और इसलिए गुजरात ने प्रोएक्टिव रोल किया है कि हम किसी भी इस प्रकार की दुनिया डेवलप होती है तो उसको डूज एंड डोंट्स पहले से उसको कहते, उसके लिए उसको पता होता। और मेरा अनुभव है पिछले 10 साल में कि ज्यादातर गुजरात के इस क्षेत्र की केमिकल इंडस्ट्रीज ने काफी प्रोएक्टिव कोऑपरेशन किया है और उसके कारण सरकार के लिए, समाज के लिए और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए तीनों का मेलजोल के साथ हम प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं, वो एक सफल प्रयोग हुआ है। और दूसरा, पहले कंपनियों को अपने तरीके से कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती तो महंगी पड़ती, लेकिन अब हमने क्लस्टर अप्रोच लेने के कारण एक ही प्रकार की इंडस्ट्री साथ साथ होती है। अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कॉमन प्लान बन रहे हैं और उसके कारण खर्च का शेयरिंग भी सुविधा बढ़ती है। और अगर हम जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करेंगे इतनी हमारी ग्लोबल मार्केट में एंट्री की सुविधा बढ़ती है। मित्रों, आज दुनिया में मेरे हिसाब से शायद हमारा 1% रोल है, 1%, इतना बड़ा ह्यूज मार्केट पड़ा है और ये क्षेत्र खुला पड़ा है। हम जितना इसको आगे बढ़ाएं, और मैं मानता हूं कि हमने इसे इन सारी समस्याएं उलझती हुई समस्याओं के बावजूद भी हम एनवायरमेंट के सारे इश्यूज को मिटमिट करते हुए हम इसको डेवलपमेंट के लिए और अधिक बढ़ावा दे सकते हैं और हम एक्सपोर्ट को टारगेट करें। अब हिंदुस्तान को खास करके सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते हुए इस क्षेत्र में काम करने के बजाय अच्छा होगा कि हम ग्लोबल मार्केट को टारगेट करें। विश्व में बदलती हुई चीजों में कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए जिस प्रकार से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन दिनों रिसर्च के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म खड़ा कर रही है, क्योंकि एक एक कंपनी अपना अपना रिसर्च विंग अलग चलाती है तो वो कॉस्टली रहता है और कभी कभी शेयरिंग की दृष्टि से भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कॉमन रिसर्च होता है तो दुनिया को हम नई दवाइयां दे सकते हैं, नई व्यवस्था दे सकते हैं। अदरवाइज 50-50 साल तक नई दवाई बाजार में आती नहीं, 50-50 साल जाता है। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है, क्वालिटेटिव थोड़ा चेंज होता है, लेकिन मूलभूत नया ड्रग नहीं आता है। अगर रिसर्च के लिए और रिसर्च के लिए अरबों खरबों रुपए लगते हैं और उसकी दिशा में आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। क्या केमिकल सेक्टर में भी हम इस प्रकार के रिसर्च के कॉमन प्लेटफॉर्म खड़े कर सकते हैं क्या? भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिले और हमारी इस साइंटिस्ट वर्ल्ड जो है या हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उसको जोड़ करके हम इन क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ाएं। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज एंड हमारी इंडस्ट्री, इन दोनों का मेल से काम करने की हमारी आदत कम है। दुनिया के सभी समृद्ध देशों की ओर हम देखें तो वहां पर डेवलपमेंट के साथ यूनिवर्सिटीज पूरी तरह जुड़ी हुई रहती है। अगर उनको प्रोजेक्ट बनाने हैं तो इंडस्ट्री या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाते हैं। अगर उनको रिसर्च भी करना है तो असाइनमेंट यूनिवर्सिटी में मिलता है, यूनिवर्सिटी का खर्चा भी निकलता है और नई जनरेशन के रिसर्च के कारण इंडस्ट्री को भी लाभ होता है। मैं मानता हूं कि हमने केमिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग की जितनी इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्नोलॉजी की जितनी इंस्टीट्यूशन हैं, इसको भी इसके साथ हमने जोड़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा 3 दिन हमारा ये समारोह है, हमारे जो भी मित्र हैं यहाँ जितनी केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके प्रोफेसर, उसके स्टूडेंट्स स्पेशली इनवाइट करना चाहिए एग्जीबिशन देखने के लिए और उनका एक विजन बने
इसलिए रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ावा देना है तो हमने उसकी कॉस्ट कम करने लगे, वी हैव टू फाइंड आउट दिस रिसोर्सेज, हमने उसको मैक्सिमम टैप करना चाहिए और हम इस चीजों को हम टैप करेंगे, मैं मानता हूं कि हम बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्यों ना हम दुनिया के सामने जी कैम को लेकर के अपना ब्रांडिंग क्यों रखें, और जब मैं जी कैम कहता हूं डज नॉट मीन गुजरात कैम, मैं जी कैम कहता हूं मेरा मतलब है ग्रीन कैम, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन प्रोडक्ट, उस दिशा में हम कैसे जाए, और अगर हम उसमें जा सकते हैं तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। मित्रों, इन दिनों जो रिसर्च हो रहा है उसमें समुद्र में जो वनस्पति है सीवीड्स का, उसका केमिकल के अंदर बहुत बड़ा ताकतवर उपयोग की संभावना नई नई आ रही है। गुजरात भाग्य है कि मेरे पास 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, अगर 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है और सीवीड को हम बढ़ावा दें और उसकी केमिकल प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करें तो हम एक प्रकार से वेस्ट में से वेल्थ करें, उतनी यात्रा को सफर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी संभावना आज जो रिसर्च की दुनिया है वहां शुरू हुई है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आज हम प्रोएक्टिव होकर के इस क्षेत्र की ओर हम देखें, हम बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमने उस दिशा में करना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे यहां एक आईटी का जमाना हमने देखा पूरी तरह, अब आईटी एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिस प्लेटफॉर्म पर विकास की यात्राएं चलने वाली हैं। लेकिन आईटी का जितना महत्व रहा विकास के अंदर, उससे ज्यादा आने वाले समय में ईटी का महत्व रहने वाला है। एक प्रकार से विकास के सारी व्यवस्था के सेंटर पॉइंट में ईटी अपनी जगह लेने वाला है। ईटी से कहने का मेरा तात्पर्य है एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, हर चीज में एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करेगी। कार की प्रोडक्ट आएगी तो भी उसकी एडवर्टाइजिंग में पहला वाक्य रहने वाला है कि एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी की दृष्टि से ये कार ऐसी ऐसी है। पंखा भी घर के अंदर आएगा नया तो उसमें भी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के मेंशन किया जाएगा, एसी भी नया आएगा तो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी मेंशन किया जाएगा, यानी आपके जूते भी एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है। ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा आधार बनने वाला है और दुनिया इतनी ज्यादा सेंसिटाइज होने वाली है कि वो इन चीजों को प्रमोट करने वाली, जैसे होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बन गया, सबको लगता है मैं ऑर्गेनिक लूंगा, मैं डिकना लूंगा, मैं फनाल लूंगा, एक कंज्यूमर मार्केट में भी उसने एक जगह बना दी है। आने वाले दिनों में एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी उस हाउसहोल्ड मैटर बनने वाला है। अगर ये होने वाला है तो घर के अंदर दीवार का कलर भी वो पसंद करेगा जो उसके हेल्थ के साथ कैसा मैच करता है, वो कौन से प्रोडक्ट है जो उसके उसके अस्तित्व से भी उसके फैमिली के हेल्थ को परेशान नहीं करती, यहां तक देखा जाने वाला है। एक जमाना होगा जबकि शायद इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं रही हो, आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने विकास के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। 30 साल पहले हमारे पिताजी ने कोई एक प्रोडक्ट शुरू किया था, उसी प्रोडक्ट को आज घसीटते रहेंगे तभी दुकान चलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सी चीजें नहीं जोड़ सकते, बहुत सी चीजें नहीं जोड़ सकते हैं मित्र। और हमारे यहां तो गुजरात का तो एक्सपीरियंस है, पूरा केमिकल क्षेत्र एसएमईस के हाथ में, एक प्रकार के हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री है जो इसको चलाती है और पूरे मार्केट को वो स्कैटर कर रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट करना होगा तो हमने 2 कदम आगे जाना होगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, हमारी क्षमताओं में बदलाव लाना पड़ेगा और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है हम बहुत कुछ कर सकते हैं।